एक स्क्वाड मेरे पीछे आते आते यहाँ पर पहुंच गया। एक एक का डैमेज 14, 16, 727। एक बंदा तुरंत से राउंड तो जल्दी से किल करने की कोशिश, बट डेप में से बंदा मेरे को मारा एक छोटा सा कवर एंड कवर लेके जल्दी से किल। यहाँ पर और एक बंदा आ चुका है पीछे से घूम के, ओ एमपी 40 गेस पे, ओह जल्दी से बंदा राउंड तुरंत से किल कर लेंगे। और लास्ट एक ही बंदा जिंदा है मेरे पीछे पड़ा है और शॉट गन लेके, वो शॉट गन वर्सेज MP40 और एक MP40 गेस पे हेड शॉट, बंदा खत्म। वन एक्सपे टू वेबसाइट बर्सेलोना चेल्सी बहुत सारी बड़ी बड़ी फुटबॉल टीम के साथ पार्टनरशिप में है, तो इस ऐप को साइन करने के लिए बस आपको कंट्री करेंसी मेरा प्रोमो कोड देना पड़ेगा अर्पण गेमिंग। तो इससे क्या होगा, आप जब पहले डिपॉजिट करोगे तो आपका 100% बोनस मिलेगा। तो सिंपली क्या करना होता है, आप इसके मेनू पे जाओ, स्पोर्ट्स का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर दबा के आप बेटिंग कर सकते हो, पैसा जीत सकते हो। तो स्पोर्ट्स का भी ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, इंटरेस्टिंग बेटिंग पे है, तो ज़रूर वन बिग ट्राई करना। हेलो गाइस, वेलकम टू अर्पण गेमिंग, वेलकम टू फ्री फायर बैटल ग्राउंड। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं रैंक सोलो वर्सेस स्क्वाड और अलग अलग गेम प्ले, अलग अलग स्क्वाड को मैं कैसे आउट किया वही टिप्स दूंगा। तो वीडियो को बस आज का लाइक है मैं 10,000, बस लाइक कर देना और गेम प्ले के साथ टिप्स चलता रहेगा। तो जो भी भाई हो मेरे चैनल पर नए आए हो बस सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं, बताते कैसे कैसे एक स्क्वाड आउट किया। तो पहले तो मैं आ चुका हूँ पीक पर, जब पीक पर मैं देखा सामने एक बंदा है तो पहले मैं उसको एक हेडशॉट दिया देन मारा और देख सकते हो एक बंदा तुरंत से डाउन कर दिया। और इस पोजीशन में मैं स्क्वाड को कैसे आउट करते हो देखो, एक बंदे को मैं डाउन कर दिया, मैं बैकअप ले रहा हूँ एंड घूम रहा हूँ, लोकेशन चेंज कर रहा हूँ। तो जब भी स्क्वाड को आउट करो ऐसे लोकेशन चेंज करो, उस लोकेशन वो लोग ट्रैक कर चुके हैं। और मैं जब देखा, देखो एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा, चार बंदा, पूरा स्क्वाड बैठा है। तो इस पोजीशन में आप कभी भी डैमेज मत करने की सोचना, बस भाग जाओ और सेफ पोजीशन पे बंदे को घुमाने के लिए। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ और जितना भी मोबाइल प्लेयर हो इसी वीडियो में सब लोग हैशटैग मोबाइल लिख के कमेंट कर रहा, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे मेरे भाई लोग कितना प्लेयर्स मोबाइल पे खेलते हैं। तो हैशटैग मोबाइल बस कमेंट पे स्पैम कर देना कि कौन सा कितना बंदा मोबाइल प्लेयर है मेरे चैनल पे। तो यहाँ पर मैं आ रहा हूँ एकदम कवर पे, देख सकते हैं फॉल्स ग्लोअल का कवर ले लिया, क्योंकि आप यहाँ पे डिफेंस कवर ले सकते हो, एक इंटेलिजेंसी है। तो मैं कैसे स्क्वाड का आउट करता हूँ देखो, मैं पूरा वहाँ से भाग आया क्योंकि वहाँ पर एकदम भी जगह नहीं है कवर लेने की। और वहाँ पर खुले जगह पर आप रहोगे ना तो चारों तरफ से बंदा चारों तरफ से आपको मारेगा, तो वहाँ पर आप मर ही जाओगे। तो खुले जगह में कभी भी स्क्वाड को आउट करने की मत सोचना, क्योंकि वो आप पे फोकस है, दूसरे स्क्वाड पे फोकस नहीं है, आप पे फोकस है। तो आप दूर पे भाग जाओ और उस स्क्वाड का इंतज़ार करो कब वो खुले में आपको मारने आए। तो मैं वेट कर रहा हूँ, तो चलो देखते हैं एक स्क्वाड को आउट करने में कितना टाइम लगता है। देखो एक बंदे को डाउन करके ही मैं किल नहीं किया, भाग आया क्योंकि मेरे को स्क्वाड आउट करना है। आपको स्क्वाड आउट करना है तो भाई थोड़ा धीमे से काम करना। देखो लेब में से एक पूरा स्क्वाड आ गया, एक दो तीन चार, फर्स्ट तो एक बंदे का डैमेज 18, 16 करके एक बंदा तुरंत से डाउन। तो जल्दी से इसको किल कर लेंगे, ओ भाई तो फिर एक छोटा सा कवर। और इस बंदे को मैं कवर क्यों लगाया, ऐसे मारने में आसानी हो तो इसीलिए मैं कवर लगाया। और देख सकते हो पूरा सामने बंदा है, पूरा पत्थर की तरफ बैठा है, दो बंदा और राइट पे एक बंदा। तो भाई मेरे को बैट से मारेगा, हाँ एक एक का डैमेज, फिर से बंदा कवर ले रहा है। तो जल्दी से डैमेज करेंगे भाई, वहाँ से नेट नहीं आएगा मेरे भाई, पर फिर से डैमेज करेंगे। ओ भाई फैक्ट्री की तरफ इसका एक बंदा घूम चुका है, तो इसीलिए मैं पूरा एकदम घूम रहा हूँ। देखते हैं, मेरे को कवर लेके जाना पड़ेगा, तो इस पोजीशन में बस कवर एंड वो लोग मारे, फिर भी आपको कवर लेकर आगे बढ़ना है क्योंकि खुले में एक बार फंस गए तो बहुत मुश्किल है। वो बंदा राइट से दो बंदा घूम रहा है, देख सकते हो पूरा राइट से दो बंदा, मेरे को पूरा सीधा जाना पड़ेगा क्योंकि पूरा स्क्वाड का आउट करने में जितना भी हो सके मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। एक बंदा किल हो चुका है, सामने दो बंदा है, जल्दी से 30 करके डैमेज, फिर से बंदा कवर ले लिया, फिर से मारेंगे। माई गॉड मेरे को पीछे से पड़ने वाली हैं, तो इसी वजह से तो मैं कवर लेके घूम रहा हूँ। और देखो लोकेशन चेंज कर रहा हूँ कितना ज़्यादा एंड कितना फास्ट लोकेशन चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर और एक बंदा है, ठीक है, तो स्क्वाड का तीन बंदा जिंदा है, वो यहाँ पर एक बंदा गया। तो पहले MP40 का एक्सपे 18 करके डैमेज, एक बंदा राउंड, तो जल्दी से इसको किल कर लेंगे। तो दो नंबर बंदा इसी स्क्वाड का ख़त्म, और दो बंदा बचा है, तो 2-1 हो चुका है। देखो कैसे घुमा खुला के एक स्क्वाड का आउट कर रहा हूँ, फिर से एक बंदे को मारा
मतलब अलग अलग करके आउट करो, ठीक है। फिर से एक दो बंदा है, ठीक है, यहाँ पर चलो एक नेट करते हैं स्टन ग्रेनेड, तो जल्दी से स्टन ग्रेनेड फेंकेंगे और बंदा अंधा हो गया। दोनों बंदा दोनों तरफ भागा, देखो MP40 का डैमेज दोनों बंदे को अलग कर दिया। अब मैं सिचुएशन पर आ गया कि दोनों अलग कर चुका हूँ, मतलब एक बंदे को तो डैमेज दे ही दिया, तो जल्दी से इस बंदे को डैमेज करके, डरो मत कभी, यहाँ पर और एक बंदा डैमेज एंड पूरा डाउन फिर कर लेंगे। और स्क्वाड का एक बंदा जिंदा है, तो अब देखो क्या होता है, 1v1 सिचुएशन, तीन बंदे को मैंने खा लिया ओपी घुमा फिरा के। तो चलो और एक बंदा कहाँ पर है देखते हैं, बंदा आ रहा है वो भी घूम रहा है, देखते हैं वो यहाँ पर आएगा जल्दी से। वो आ गया, आ गया MP40 का एक्सप्रे। ओ फिर से बंदा भाग गया, कहाँ पर भाग रहा है, भागेगा कहाँ मेरे भाई, कहाँ गया कहाँ गया, मतलब वो बंदा भाग चुका है क्योंकि लास्ट वाला बंदा है, उसको रैंक भी बचाना होता है, और रैंक बचाना नहीं होता तो मेरे को ढूंढ रहा होगा और मैं भी उसको ढूंढ रहा होगा। देखते इस पोजीशन में आप कोशिश करो कि बंदे को मारने की, नहीं तो यार डर के भाग जाओगे तो वो डैमेज देगा क्योंकि जोन आ रहा है इस पोजीशन पे। तो चलो देखते, वो बंदा आ चुका है शॉटगन वर्सेस MP40 और एक MP40 का स्प्रे, बंदा शॉटगन से मारेगा और हेडशॉट, पूरा स्क्वाड ख़त्म। तो ऐसे फर्स्ट स्क्वाड को आउट किया। चलो आप चलते हैं सेकेंड स्क्वाड की तरफ, जो कैसे आउट करता हूँ। तो सेकेंड नंबर स्क्वाड आउट किया क्लॉक टावर पे, तो मैं सबसे लेट लैंडिंग करता हूँ, मेरा एक टेक्निक है सोलो वर्सेस स्क्वाड का, क्योंकि मैं देखता हूँ बंदा कहाँ से कौन सा गन ले रहा है, उसके बाद में उतर के गन लेता हूँ। ओ भाई यहाँ से देखो 23 करके डैमेज, ये बंदा तुरंत भाग रहा है, ये स्क्वाड का फर्स्ट बंदा है, तो कवर लेके मेरे को मारेगा मेरे को पता है, पर मैं फर्स्ट डैमेज किया और यहाँ पर जल्दी से डाउन के लिए। तो एक बात, जब भी आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो, उतरने से पहले आपका गन चूज़ करना होगा, और वो भी साइड में क्लॉक टावर जैसे जगह पे ना, आप मिडिल पे गन ढूंढ के वहाँ पर लैंड करोगे तो बंदा चारों तरफ से गन लेकर आपको उस पोजीशन पे मारेगा। बट एक क्लोज पे, मतलब एक कोने पे, सॉरी, आप एक गन चूज़ करोगे तो वो गन आप लोगे एंड आप कवर भी ले पाओगे। तो इसीलिए मैं कोने पे लैंड किया और मैं देख रहा हूँ कहाँ पर कितना स्क्वाड, कितना बंदा कहाँ पर उतर रहा है, इसीलिए मैं अपना गन टारगेट किया एंड चारों तरफ देखा कहाँ पर स्क्वाड है, ऐसी करके पहले बंदे को मारा है। पर सेकेंड नंबर बंदा है स्क्वाड का, एक पूरा हेडशॉट पड़ा आ रहा है, बंदा तुरंत से डाउन, तो जल्दी से इस बंदे को किल कर लेंगे। स्क्वाड का दो नंबर बंदा यहाँ पर किल हो चुका है, दो नंबर बंदा यहाँ पर किसको मार रहा था पता नहीं, बट फायदा ऑलवेज लेना, दो नंबर बंदे को किल कर लिया। तो लूट लेंगे थोड़ा सा क्योंकि आसपास फिर भी बंदा है, और स्क्वाड को सिर्फ लोकेशन चेंज करके मार सकते हो, एकदम आमने सामने कभी भी एक स्क्वाड को नहीं मार सकते, पीछे से मार रहा है तो पता है पीछे से एक बंदा है। तो जल्दी से मैं कवर लेंगे एंड कवर लेके देखते हैं बंदा कहाँ पर बैठा है, बट ऊपर नहीं, ऊपर है नीचे भी हो सकता है क्योंकि दो तीन बंदा, दो बंदा है ऑलरेडी यहाँ पर। ओ बंदा नीचे गया, मैं देख लिया एक बंदा नीचे गया, तो इसी स्क्वाड का शायद लास्ट बंदा है ये बंदा, दो नंबर दो ऑलरेडी किल हो चुका है और कवर लेके एक बंदे को बस मारेंगे। ओ भाई पीछे से और एक बंदा आ गया, ओ जल्दी से किल, पीछे से दूसरे स्क्वाड को लास्ट बंदा आ चुका था, तो इसी स्क्वाड का भी गया और एक स्क्वाड का लास्ट बंदा, इसी स्क्वाड का लास्ट बंदा बैठा है, तो उसको मैं कैसे मारता हूँ देखते हो। पहले तो डैमेज दे रहा हूँ, वो कवर पर बैठा है, तो यहाँ पर मैं पीछे से घूम रहा था और एकदम देखा, देखो वो बंदा यहाँ पर बैठ के मेरा इंतज़ार कर रहा है कवर लेके, तो यहाँ से मारेंगे। शॉटगन का डैमेज 12 करके कितना लिया देखा, क्यों बोलता हूँ ये शॉटगन सबसे ख़तरनाक है। और यहाँ पर रिलोड टाइम पे एक शॉट मारा, देखो एक दो तीन, ऑनली तीन शॉट में एक बंदा ख़त्म, वो भी मेरा कम हेल्थ करा। MP40 यूज़र वर्सेस ये शॉटगन क्यों ख़तरनाक है देख सकते हो, मतलब मैं तीन शॉट में एक स्क्वाड को खा लिया, वो भी लास्ट बंदे को, ये शॉट छोटा वाला एकदम शॉटगन से, तो ये बहुत ही ख़तरनाक शॉटगन है, आप यूज़ कर सकते हो, बट रीलोड टाइम आपको मेंटेन करना चाहिए शॉटगन यूज़ करते टाइम। रीलोड टाइम मेंटेन नहीं करोगे तो भाई आप ज़रूर मरोगे इस शॉटगन से, क्योंकि देखो रीलोड टाइम कितना मायने रखा वहाँ पर, तीन शॉट में बंदा डाउन एकदम किल हो गया। तो चलो चलते हैं थर्ड नंबर स्क्वाड की तरफ, थर्ड नंबर स्क्वाड कैसे आउट किया। तो थर्ड नंबर स्क्वाड देख सकते हो स्किल वॉच पे, एक थर्ड नंबर स्क्वाड आ रहा है, पहले दो स्क्वाड को मारा एक क्लॉक टावर और एंड एक पॉची नॉक पे, और अब एक स्क्वाड का आउट करूँगा यहाँ पर स्किल वॉच पे। देख सकते हो कैसे आउट करता हूँ, जब भी आपको
उतरते टाइम गन मिले देख सकती है, एक बंदे को तुरंत से डाउन कर दिया। उतरते टाइम आपको गन मिल जाए और लिस्ट क्लोज रेंज का गन तो भाई बहुत ही बढ़िया होता है, बट लॉन्ग रेंज पे भी चलेगा। तो यहाँ पर एक बंदे को डाउन करके तुरंत से किल कर लिया और इसी स्क्वाड का बंदा ज़रूर आएगा मेरे को मारने। देखो आ रहा है फामास का डैमेज 28 करके, ओ भी यार गजब गजब फामास का डैमेज, वाह रे वाह। तो फामास से दो बंदे को डाउन कर दिया, तो आई थिंक और दो बंदा स्किल लॉज पे चला गया है, नहीं तो बाहर भी हो सकता है, स्किल लॉज पे भी हो सकता है, देखते हैं। यहाँ पर पहले तो लूटेंगे, यहाँ पर लूट नहीं हुआ क्योंकि दो बंदा कहाँ पर गया, और वो भाई मार रहा है, माई गॉड बंदा बैठा है, वो भाई वहाँ पर ही बैठा है एक बंदा, और एक बंदा कहाँ पर है मेरे को पता नहीं। तो स्किल लॉज पे ऑलरेडी एक बंदा आ चुका है आई थिंक, मेरे को फुटप्रिंट्स का साउंड आ रहा था तो इसीलिए देखते हैं, वो उधर आ चुका और एक बंदा पीछे है, वो बंदा के सामने। तो जल्दी से MP40 का स्प्रॉस पास 12 का डैमेज किया, उससे पहले ही मैं उसको डाउन कर दिया, तो जल्दी से किल कर लेंगे। वो बंदा यहाँ पर नहीं है और पीछे से बंदा मार रहा है, शायद इसी बंदे का लास्ट वर्सन है, मतलब लास्ट बंदा ही जिंदा है इसी स्क्वाड का। तो तीन बंदा ख़त्म और एक बंदा जिंदा है इसी स्क्वाड का, देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर तो नहीं है क्योंकि वो बंदा पीछे से ही मार रहा था, यहाँ पर नहीं है, ये इसी स्क्वाड का बंदा है, एक है और लास्ट और एक बंदा है, आई थिंक वो सामने होगा और वो आ रहा होगा, वो आ गया गया और डैमेज फिर से और पूरा स्क्वाड ख़त्म यहाँ पर। तो चार बंदा तुरंत से किल। तो अपना गन का डैमेज इफेक्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे कंट्रोल्स पर देख सकते हो डैमेज इंडिकेटर, क्लासिक न्यू, तो मैं न्यू पर खेल रहा था, क्लासिक भी कर सकते हो, तो ऐसे चेंज हो जाता है अपना डैमेज जो दिखाता है, वो दिखाने वाला चेंज हो जाता है। तो वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बस शेयर करो एंड बस वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई।